कारोबार करना है तो वैक्सीन लगवाना होगी। बगैर वैक्सीन मुसाफिर हवाई सफर भी नहीं कर सकेंगे। एनसीओसी ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। इतलाक 31 अगस्त से होगा। ड्राइवर बगैर वैक्सीन ट्रेन बस रिक्शा नहीं चला सकेंगे। दुकानदारों मुलाजमीन असातजा और तलबा के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार। वैक्सीन ना लगवाने वालों का सरकारी महकमों में दाखिला बंद। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। हुकूमत पंजाब ने पाबंदी लगा दी। सरकारी महकमा जात के सरबराहान और डेप्टी कमिश्नर्स को आगाह कर दिया। सेक्रेटेरिएट में भी अफसरान और मुलाजमीन के कोरोना सर्टिफिकेट चेक होंगे। घर घर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम सिर्फ 3 इलाकों में। मुहिम का दीगर इलाकों में आगाज ना हो सका। स्टाफ की शदीद कमी। आइंदा हफ्ते पोलियो मुहिम के बायस कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम रुक जाएगी। दोबारा आगाज 8 अगस्त के बाद यूनियन काउंसिल की सतह पर होने का इम्कान। कोरोना के फैलाव में इजाफे का खदशा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का 4 अगस्त का कॉन्वोकेशन मंसूख। जीसीयू ने 2200 ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम करना थी। आइंदा साल मार्च में बल्दियाती इलेक्शन कराने की तैयारियां। पंजाब हुकूमत ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। हदबंदी के रूल्स तैयार। इलेक्शन पर 4 अरब के अखराजात आएंगे। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात की तारीख देगा। मौजूदा बल्दियाती इदारों का दौरानिया दिसंबर 2021 में मुकम्मल होगा। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात का मार्का। कागजाती नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज। 50 से जायद उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। पीटीआई उम्मीदवार मलिक फारूक डोगर, आबिद रोखड़ी, आबिद खान, उमर फारूक डोगर, शेख काशिफ और दीगर ने कागजात जमा कराए। 31 जुलाई से 3 अगस्त तक जांच पड़ताल होगी। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों को 7 अगस्त तक उम्मीदवारों को टिकट देने की हिदायत। सेक्रेटरी कानून पंजाब बहादुर अली खान का मुस्ताफी होने का फैसला। जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा देंगे। बहादुर अली खान को 26 अक्टूबर 2020 को कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात किया गया था। अरकान पंजाब असेंबली इस्तेकाक बिल 2021 आइन से मुतसादिम करार। गवर्नर पंजाब ने बिल मुस्तरद कर दिया। बिल एतराजात के साथ स्पीकर को भिजवा दिया गया। बिल पर वजीर आजम और वजीर आला हाउस ने एतराज किया था। स्पीकर ने एतराजात पर कानूनी टीम से मुशावरत शुरू कर। लाहौर पर मानसून के बादल मंडलाने लगे। शहर के सिवरेज और वाटर मसाइल हल ना हुए। बारिश हुई तो पानी जमा हो सकता है। हुकूमत 4 अरब के मंसूबों के लिए सिर्फ 16 करोड़ 36 लाख जारी कर सकी। बादल स्कीमों में से सिर्फ 12 को फंड जारी हुए। गंजबर्ग, सलामा इकबाल टाउन, समनाबाद, शादमान और दीगर इलाके फंड से महरूम। महंगाई सर चढ़कर बोलने लगी। पंजाब हुकूमत ने मोटरसाइकिल गाड़ियों की नंबर प्लेट्स मजीद महंगी कर दी। मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट 250 रुपए, कार की नंबर प्लेट 300 रुपए महंगी। मोटरसाइकिल और रिक्शा की नंबर प्लेट अब 1000 रुपए। मोटर कार जीप की नंबर प्लेट 1500 में बनेगी। कोरियर अखराजात भी आवाम से पूरे किए जाएंगे। बिजली कनेक्शन के मुंतजिर सारफीन के लिए बुरी खबर। ट्रांसफार्मर्स के बाद मीटर सर्विस केबल का स्टॉक भी खत्म। करोड़ों की डिमांड नोटिसेस जमा। मीटर केबल की कीमत वसूल करने के बावजूद कनेक्शन न लग सके। अस्पतालों में बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 3 स्कीमों की मंजूरी दे दी। जिना अस्पताल में गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी शोबे की अपग्रेडेशन और इंडोस्कोपी मशीन की मंजूरी। सर्विसेज अस्पताल के यूरोलॉजी शोबे की तामीर और मुरम्मत। किडनी ऑपरेशन की मशीनरी खरीदने की भी मंजूरी। सेक्रेटरी आई एंड सी ने मुतादिद स्कीमों की मंजूरी दे दी। सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी गेट, 4 ट्यूबवेल लगेंगे। 4 मंजिला इमारत भी बनेगी। जियो आर्ट्स में 6 ट्यूबवेल, जिम, 5 अजला में सूबाई मोहतसिब के दफातर बनाने की मंजूरी। महकमा ज़राअत, एक्साइज, पीएनडी में ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट की मंजूरी।
बारिशों से तबाह हाल सड़कों की तामीर और मुरम्मत की तैयारियां, 75 करोड़ के फंड जारी। लाहौर और दीगर शहरों की सड़कें मुरम्मत की जाएंगी। महकमा खजाना ने ग्रांट महकमा CNW को जारी कर। गुजरपुरा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्टाफ की कमी का इंकशाफ, 433 तालिबात के लिए सिर्फ 9 टीचर्स मौजूद, 29 आसामियां खाली। महकमा सनत ने रिपोर्ट पंजाब असेंबली में पेश कर दी। दीनी मदारिस में सिंगल नेशनल करिकुलम का नफाज, पहली तथा पांचवी जमात यकसान निसाब और नाजरा कुरान पढ़ाया जाएगा, डायरेक्टोरेट ऑफ मजहबी अमूर ने अहकाम जारी कर दिए। लाहौर बोर्ड के तहत आज से 10वीं के इम्तिहान शुरू, आज पहले रोज हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पर्चा लिया जा रहा है। 10वीं के इम्तिहान में 3,894 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। लाहौर बोर्ड ने 10वीं जमात के इम्तिहान के लिए 866 इम्तिहानी मराकज कायम किए हैं। शहर की सबसे बड़ी मंडी के बड़े मसाइल, बादामी बाग मंडी में बारिशी पानी जमा, दाखिली और खारजी रास्ते कीचड़ से अट गए। बदतरीन सूरत हाल, गाड़ियों की कतारें, खरीदारों ने वापसी की राह ले ली, दुकानदारों का ग्राहक न आने का शिकवा। उबलते गटर, गलियों में सिवरेज का पानी जमा, इसरा के इलाके जट्टा की चक्कियां का बुरा हाल, मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना हुए, घरों से निकलना दुश्वार। इलाका मकीनों का आला हुकाम से सिवरेज मसाइल हल करवाने का मुतालबा। फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई, 22,000 लीटर केमिकल मिला दूध पकड़ लिया, मुकदमा दर्ज, दूध जाया कर दिया गया। बैंक से पैसे लेकर निकलने वाला शहरी मॉल रोड पर लुट गया, डाकू 5 लाख रुपए नकदी ले उड़े, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। सिविल लाइन थाने में दरख्वास्त जमा, ताहाल मुकदमा दर्ज न किया जा सका। गैर मयारी सिलेंडर बनाने वाले कारखानों को बंद करवाने का मुतालबा, LPG एसोसिएशन और हुकूमत के माबैन मुजाकरात में डेड लॉक बरकरार। LPG एसोसिएशन का 31 जुलाई को शाहदरा से लॉन्ग मार्च का ऐलान, पुलिस छापों से आजिज, LPG सेलर्स DC ऑफिस पहुंच गए। FIA का नजीर चौहान को हिरासत में लेने का मामला, NPA को जिला कचहरी मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने नजीर चौहान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। नजीर चौहान पर एक और मुकदमा दर्ज, SHO ग्रीन टाउन ने कार्य सरकार में मुदाखलत, धमकियां देने का मुकदमा दर्ज कराया। नजीर चौहान की गिरफ्तारी से तश्वीश बढ़ रही है, मैं पार्टी के साथ मुखलिस होकर चला लेकिन मुझे टारगेट किया गया। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन का बयान सामने आ गया, कहा नजीर चौहान को हुकूमत खुद बागी कर रही है, मेरा कोई ग्रुप नहीं, मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा किया गया। रिवर रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट हाईकोर्ट में चैलेंज, जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की, बताया जाए कि इस कानून के तहत रूझा अथॉरिटी तश्कील दी गई, अदालत ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया, एडवोकेट जनरल को 27A का नोटिस। अनोखा वाकया, खानन ने बीवी बेटे पर महबूबा के अगवा का पर्चा करा दिया, खातून इंसाफ के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गई, कहा खानन के लड़की से ताल्लुकात हैं, अगवा की झूठी कहानी बनाई गई। एडिशनल सेशन जज चौधरी इनाम इलाही ने आयशा बीबी बेटे मोहम्मद अरसलान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। सुबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के मेंबरान का अज खुद मुलजिमान को बरी करने का मामला, चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राणा का नोटिस, अदालत बड़ी है या सुबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, जवाब तलब, चेयरमैन सुबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, सेक्रेटरी हेल्थ और दीगर, 7 अगस्त को तलब। शहर में तलाक की शरह बढ़ने लगी, खवातीन ने खुला की बुनियाद पर तलाक के दावे दायर करना शुरू कर दिए, लंबी तारीखों से बचने के लिए 15 रोज में 40 खवातीन ने खुला का दावा दायर किया, फैमिली की 26 अदालतों ने दावों पर शोहरों को तलब कर दिया।
ताशकंद कचहरी में मोबाइल कोरोना वैक्सीनेशन वैन का अहतमाम। वकला जुडिशल ऑफिसर्स की वैक्सीनेशन की गई। मोबाइल कोरोना वैक्सीनेशन वैन 3 दिन कैंट कचहरी में मौजूद रहेगी। उधर लाहौर हाईकोर्ट बाद में पुलिस का खिदमत मरकज बनाने का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट के 18 अफसरान के तबादले। तब्दील होने वालों में ग्रेड 20 के 2 एडिशनल रजिस्ट्रार, ग्रेड 19 के 11 डेप्टी रजिस्ट्रार और दीगर शामिल। जिला इंतजामिया गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इन एक्शन। एसी शालीमार के हरबंसपुरा में 2 ऑपरेशन। सरकारी अराजी बाहगुजार करा ली। 2 घर, 1 दुकान मिसमार, बाउंड्री वॉल, शेड गिरा दिए। ऑपरेशन में पुलिस ने भी हिस्सा लिया। मुतअद्दिद सरकारी घरों पर काबिज पुलिस अफसरान की मौजें खत्म। सिर्फ 1 सरकारी घर की इजाजत, बाकी छोड़ना होंगे। आईजी के हुक्म पर अफसरान की रिहाइशगाहों, दफातर की ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू। बारी के बगैर घर अलॉट नहीं होगा। मॉनिटरिंग फंड के इस्तेमाल के लिए नया सॉफ्टवेयर शुरू। डीसी ऑफिस की बिजली बंद, दफातर में अंधेरा छा गया। बैकअप जनरेटर भी खराब, काम ठप होकर रह गया। अफसरान और अमले का गर्मी से बुरा हाल, साइलिन भी परेशान। स्पीकर परवेज इलाही से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मंजूर अहमद बड़ाइश की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट बार के मसाइल से आगाह किया। मुलाकात में सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार अहमद शहजाद, फारूक राणा भी मौजूद थे। वजीर आला की अहलिया की ग्रेजुएट अफवाह कॉलेज आमद। बेगम सोफिया आसमान ने शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधा लगाया। फीता काट कर प्लांट फॉर पाकिस्तान डे मुहिम का बाकायदा आगाज किया। कॉलेज ऑडिटोरियम में स्टाफ के साथ केक भी काटा। DGLDA का 3rd रोज मेगा प्रोजेक्ट्स का दौरा। शेरावाला गेट फ्लाईओवर मंसूबे का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर मजहर हुसैन खान ने पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग। हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो का योम शहादत। महकमे औकाफ मजहबी अमूर की जानिब से कॉन्फ्रेंस का अहतमाम। DG औकाफ पंजाब डॉक्टर रजा बुखारी, मौलाना शफीक अहमद पसरूरी, मुफ्ती मोहम्मद इसाक साकी, मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी और दीगर की शिरकत। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन शालीमार में शजरकारी। PTI रहनुमा मुस्तरद जमशेद चीमा ने असाज़ा के हमराह पौधा लगाया। गवर्नमेंट कलीतुल बनात एसोसिएट कॉलेज लेक रोड पर भी शजरकारी। मिनिस्टर वुमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज फतियाना और कबड्डी स्टार शफीक चिश्ती ने पौधा लगाया। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी मेम्बरान के लिए तरबियती सेशन। अमेरिका से रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर डॉक्टर गुल सादिक अफशा ने लेक्चर दिए। तरबियती सेशन में यूनिवर्सिटी की 60 असातिज़ा ने शिरकत की। जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स मुकाबलों के शेड्यूल का ऐलान। 20 इवेंट्स 2 अगस्त से शुरू होंगे। पहला खवातीन नेशनल जश्न आज़ादी हॉकी कप कराया जाएगा। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, स्नूकर और दीगर खेलों के मुकाबले होंगे। स्पेशल अफराद ख्वाजा सराओं के एथलेटिक मुकाबले भी कराए जाएंगे। पाकिस्तान हॉकी की जबूहाली की वजह सामने आ गई। मुतअद्दिद खिलाड़ी अनफिट करार। 2 रोजा फिटनेस कैंप में 31 खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट। सिर्फ 12 खिलाड़ी फिटनेस के मायार पर पूरा उतर सके। 19 अनफिट खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खतरे में पड़ गए। टीम इंतजामिया फिटनेस रिपोर्ट कल सेक्रेटरी PHAF को भिजवाएगी।